इस देश की धड़कन है। हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है, एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपकी बार फौज की वर्दी पहनना है तो पहनना है, ये ठान लीजिए कि आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी। जाना है भारतीय सेना में, भारत माता की रक्षा करना है तो करना है मेरे दोस्ती, फौज की वर्दी आपकी बार पहनना है। तो दोस्तों आज हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आज सैटरडे है। तो बेहतरीन लाजवाब हम आपको क्लास करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत सारे नौजवानों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, बहुत अच्छा, शाबाश मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं अब्रगी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सबसे अधिक गीला स्थान है चेरापुंजी, मासिंदराय, सिंगापुर, वेलिलेल, ये बताइए। तो मेरे दोस्त सबसे अधिक गीला स्थान है यह है मासिंदराय मेघालय, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्त, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है सुमित्रा, श्रीलंका, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एशिया का आपको बताना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बोर्नियो, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है, किसका है ये बताइए मेरे दोस्ती, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, संसार की छत किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, तो मेरे दोस्त पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन, डोरेंड, रेड क्लिफ, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर रेड क्लिफ, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा महासागर है, प्रशांत महासागर, आनिया महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आपको बताना है, तो ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे आर्कटिक महासागर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है, तो मेरे दोस्त ब्राजील है यह सबसे बड़ा निर्यात है, यह मेरे दोस्त कॉफी का करता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, आल्पस पर्वत श्रृंखला कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, 5 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे, इतना वक्त नहीं है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। आल्पस पर्वत यूरोप, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे उत्तरी अमेरिका, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताना है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी नौजवानों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कैनबरा, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है, टिग्रिस, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इराक जो नौजवान बता रहे हैं ऑप्शन सी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिणी गोलार्ध में
सबसे बड़ा दिन है, 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्ती, ये बताइए। 22 दिसंबर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, भूटान की राजधानी आपको बताना है पेरिस, काबुल, थिम्पू, तेहरान। भूटान की राजधानी बताना है मेरे दोस्ती। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे थिम्पू वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है म्यांमार किसका नाम है, या म्यांमार का पुराना नाम आपको बताना है, भूटान, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। तो मेरे दोस्त ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, वोल्गा, डेन्यूब, नील, सीन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है ये बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं सीन वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब की मुद्रा आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे रियाल वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान की राजधानी आपको बताना है पेरिस, काबुल, थिम्पू, तेहरान। तो ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे तेहरान वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। ईरान की राजधानी मेरे दोस्त तेहरान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी आपको बताना है जेनेवा, लंदन, कैलिफोर्निया, बैंकॉक। ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड जिसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बैंकॉक जो नौजवान बता रहे हैं ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे दोस्ती एशिया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया, ये बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना है, और इसमें बहुत सारे नौजवान है वो ऑप्शन ए करके आते हैं। दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, लेकिन मध्य रात्रि का सूर्य का देश ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं नॉर्वे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है साउथ अफ्रीका की मुद्रा आपको बताना है कयात, रेंड, डॉलर, इनमें से कोई नहीं। साउथ अफ्रीका की मुद्रा बताई मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट कहता है ढाका किस देश की राजधानी है, ये बताइए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा। ढाका है यह किस देश की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे बांग्लादेश ही वो बिल्कुल सही बता रहे मेरे दोस्त। बांग्लादेश की मुद्रा भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टका यहाँ की मेरे दोस्त ही करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, सुमात्रा, जकार्ता, बाली, ये बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जकार्ता ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे जकार्ता वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जापान की मुद्रा है येन, डॉलर, पाउंड, रुपया। जापान की मुद्रा आपको बताना है येन, जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती बांग्लादेश की मुद्रा, अभी हमने आपको बताया बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और यहाँ की करेंसी है मेरे दोस्ती टका, ऑप्शन ए इसका
राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, जमैका की राजधानी आपको बताना है मेरे दोस्त, हरारे, नैरोबी, प्रिटोरिया, किंगस्टन, ये बताइए। और पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदार से बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हो, क्योंकि फटाक से एग्जाम आ गया है, इसलिए मेरे दोस्त सभी क्वेश्चनों का ईमानदारी से आप एक बार रिविजन कर लीजिए ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं किंगस्टन है वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है अफगानिस्तान की राजधानी है राउलपिंडी, गंदार, काबुल, समरकंद, ये बताइए अफगानिस्तान की राजधानी आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं काबुली, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश हमारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन पाउंड, युआन, ये बताइए मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डॉलर जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए मेरे दोस्त, सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, नोरू, मोनाको, पलाऊ। तो सबसे छोटा देश आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, वेटिकन सिटी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर आपको बताना है, चार शानदार ऑप्शन आपके पास में है, इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं प्रशांत महासागर वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, श्रीलंका की राजधानी कहां पर है, कोलंबो, जाफना, ढाका, काठमांडू। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे कोलंबो, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अगर एग्जाम में कोलंबो नहीं आकर मेरे दोस्ती श्री जयवर्धने कोटे भी आ सकता है तो आपको वह करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील आप सभी नौजवानों को बताना है, इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे कैस्पियन सागर वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, अभी नोट कर लेना क्वेश्चन के आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छप गया है। तो ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे भूमध्य सागर और लाल सागर वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपको बताना है मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे 21 जून वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, भूमि में कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 71% जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर ओजोन स्फीयर ऑप्शन बी जो ओजोन बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है, भारत, मलेशिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ये बताए मेरे दोस्ती, बहुत बढ़िया, भारत जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस, ये बताइए सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह आप सभी नौजवानों को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं शुक्र वो बिल्कुल राइट बता रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, तो मेरे दोस्त शुक्र ग्रह पर होता है सबसे लंबा दिन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, क्वेश्चन कहता है सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो मेरे दोस्त लगभग लगता है 8 मिनट, 8 मिनट और 20 सेकंड का मेरे दोस्ती समय लगता है, लेकिन यहां पर आपको लगभग दे रखा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्ती पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ये मेरे दोस्ती शुक्र ऑप्शन से इसका राइट होगा।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे शुक्र, वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये बताइए मेरे दोस्ती, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें मंगल, मार्स, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, ये बताना है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति। तो दोस्तों हमारे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो है आकाशगंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बृहस्पति, जुपिटर, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? तो हमारे दोस्त मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, फेबोस और डिमोस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? आसियान, सार्क, नाम जी 15। तो मेरे दोस्त भारत को आसियान की सदस्यता प्राप्ति नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, IAEA का मुख्यालय कहां है? तो यह है मेरे दोस्त वियना, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से विनेश को संबंधित नहीं है, तो मेरे दोस्त विनेश को है, यह व्यवसाय से संबंधित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ये आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, सार्क देश का सचिवालय आपको बताना है दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कराची, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं, सार्क देश का सचिवालय काठमांडू, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो मेरे दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे न्यूयॉर्क, वो बिल्कुल राइट बता रहे। इसकी स्थापना मेरे दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरिस है। नेक्स्ट कहता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, 7, 10, 8, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे 5, वो बिल्कुल राइट बता रहे, लेकिन मेरे दोस्त अस्थायी सदस्य आपको पूछे तो आपको 10 करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अभी हमने आपको बताया मेरे दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में इसके सदस्य देश है 193वां सदस्य देश है दक्षिण सूडान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, पंचायती राज अधिनियम किस संशोधन द्वारा लगाया गया? 70वां, 73वां, 75वां या 74वां, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे 73वां, वो बिल्कुल राइट बता रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, इसी जोश, जुनून और एनर्जी के साथ पढ़ना है, आपकी बार मेरे दोस्त फौज की वर्दी पहनना है। नेक्स्ट कहता है पंचायती अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त सरपंच के लिए न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? तो ये हमारे दोस्त 65 वर्ष तक है। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, मतदाता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। तो हमारे दोस्त मतदाता के लिए न्यूनतम एज है ये 18 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है, निम्न पदों की कम से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है, सोच समझ के आंसर बताइए। लेकिन जितने भी नौजवान अभी लाइव है उतने मेरे दोस्ती लाइक नहीं है, क्यों नहीं है, ये आपकी गलती है मेरे दोस्ती, लाइक कीजिए जिस नौजवान ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और कुछ तो अदर कंट्री से भी आ चुके हैं जिन्होंने अनलाइक ठोक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्ती, हिंदुस्तान के फौजी हम तैयार कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आपके पास भेजेंगे। इसका राइट आंसर बताइए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज है ये 25 वर्ष होती है, बाकी लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल राइट है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ये भी राइट है, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी राइट है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम एज 25 वर्ष होना चाहिए, अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, राज्यसभा का सभापति होता है, तो मेरे दोस्ती राज्यसभा का सभापति है या भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में वेंकैया नायडू जी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल राइट बताया है, शाबाश मेरे नौजवानों। नेक्स्ट कहता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, 5 साल या 4 साल या 6 से 1/2, 2, 6.5 साल, ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को पता है लोकसभा के लिए न्यूनतम एज है ये मेरे दोस्त 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, तो मेरे दोस्त लोकसभा में शून्यकाल है ये 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे 30 वर्ष वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे, शाबाश मेरे दोस्त है। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है, ये बताइए मेरे दोस्त, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है ये कितनी हो सकती है, तो ये 552 जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं, 552 जो नौजवान ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 245, 233, 238, 250, तो मेरे दोस्त राज्यसभा में अधिकतम संख्या है ये 250, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, लोकसभा में 552 होती है और राज्यसभा में है ये मेरे दोस्त 250 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे दोस्त भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कहता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है ये लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सभी नौजवान को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ज्ञान में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे भारत का राष्ट्रपति वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर ही राष्ट्रपति का चुनाव है ये कितने समय में करवाना होता है, तो मेरे दोस्ती ये 6 महीने के अंदर अंदर करवाना होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए,
संविधान बना तब कितने अनुसूचियां थी? 8, 10, 12, 9। तो मेरे दोस्त, संविधान बना तब मेरे दोस्त 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कल मेरे दोस्त संडे है, इसलिए संडे को आपका टेस्ट लेने की हम कोशिश करेंगे। टेस्ट लेना है या नहीं लेना है कमेंट बॉक्स में सभी नौजवानों को बताना है। और जो भी नौजवान हमें दिन भर में कॉल करते हैं, कृपया आप दिन भर में कॉल ना करें, हमारी अदर क्लासेस भी रहती है। आप हमें मॉर्निंग में कोई भी आपकी दिक्कत आती है, पासवर्ड से संबंधित या पीडीएफ से कोई दिक्कत आती है या किसी को और कंटेंट चाहिए, तो सुबह 9 से 10 बजे के बीच आप कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपसे निवेदन है आप कॉल ना करें। जिनके लास्ट या पहली भर्ती है तो हम आपको बता देंगे एग्जाम से आपको किस दिन पहले हमें कॉल करना है। तो दोस्तों आज था सैटरडे, इसलिए हम 80 ही क्वेश्चन इसके अंदर है वो इंक्लूड करा पाए हैं। सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे, अगर आप 75-75+ का आप सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी सराहनीय है, बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट लेंगे, इसलिए सभी नौजवान अपने अन्य मित्रों को साथ में लेकर आना। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को बेहतरीन लगी होगी। तो महाकाल का नाम लेकर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे दोस्त जितना हो सके उतना। तो मिलते हैं आपको वापस मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।